परवेज मुशर्रफ के बारे में आजकल बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी सियासत का एजेंडा क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और नवाज शरीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मुशर्रफ साहब का माशाल्लाह है, तो मुशर्रफ साहब के माशाल्लाह ने एक इलेक्टेड वजीर आजम के ऊपर आप जाली केस मेरे ऊपर बनवा दिया, मुल्क से बाहर भेज दिया, जेलों में बंद किया। मुल्क बिकम्स ए लाफिंग स्टॉक बिफोर द होल वर्ल्ड। उनका ट्रायल अब शुरू होना चाहिए। वो अपना झूठा इन पाकिस्तान नो गवर्नमेंट, नो इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज परफॉर्म्ड फॉर द पीपल एंड द स्टेट, नॉट इवन वंस इन आर हिस्ट्री। व्हाइल द मिलिट्री वेन हुएवर दे वर इन देयर पीरियड, पाकिस्तान हैज गेन्ड इन ऑल सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस हैज बीन अ सीरियस इशू ऑल अलोंग आर हिस्ट्री। The question is, as a military man, I took oath on the Constitution of Pakistan. When I take oath on the Constitution of Pakistan, the oath was actually to preserve the state of which this Constitution is a part. Now, if the state is going, and the state is going to be no more, where does this Constitution stand? I think it's just a piece of paper, could be thrown in the dustbin.